क्या है पूरा मामला है? मामला ये है भैया, ये इधर से भागा चला रहा था, ये सड़क क्रॉस करी तो खंबे में टक्कर लग गई इसकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार आदाब, मैं एहसास अली आपके साथ आपको लेके चलता हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के थाना हिमपुर डिपा के क्षेत्र में। थाना हिमपुर डिपा क्षेत्र के ग्राम मुकरपुर गुजर और ग्राम रहरा के बीच जंगल में एक गुरदार ने बारहसिंगा पर हमला कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को सूचना देने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वन विभाग को बार बार सूचना देने पर कई घंटों तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। आप तस्वीर पर देख रहे हैं, ग्राम रहरा के चौकीदार अब्दुल वहीद क्या कहते हैं इनकी भी सुनाएंगे हम आपको। इसी के साथ साथ मुकरपुर गुजर के प्रधान ये रहे, आप जो तस्वीर में देख रहे हैं प्रधान जी ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जो चिंता का विषय है, चिंता का विषय ये है कि क्षेत्र में गुरदार के आने से किसानों में दहशत बैठी हुई है। वन विभाग किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, कोई पिंजरा क्षेत्र में नहीं लगाया। जब तक किसी आदम की जान नहीं चली जाएगी, जब तक किसी मानव की जान नहीं चली जाएगी, तब तक वन विभाग की आंखें नहीं खुलेगी। वन विभाग अभी गफलत में है। और एक हमला यही नहीं किया, इससे पहले भी हमला कई बार गुरदार कर चुका है, क्षेत्र के काफी पशु को खा चुका है। जो जंगल में जानवर थे जितने भी, जैसे कि गाय थी, हिरण थी, नीलगाय थी, गीदड़ थे, सबको गुरदार बुरी तरह से खा रहा है। उसके हड्डी मांस पैसे नजर आती है पड़ी हुई। इसकी वजह से क्षेत्र के किसानों में दहशत बैठी है, किसान जो है मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि ग्राम हिमपुर डिपा में भी एक बकरी पर गुरदार ने जाकर हमला किया। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से लैस होकर के वहां पर जाकर गुरदार से बकरी बचाने की कोशिश की। अब आपको ये बता दें, क्षेत्र के थाना हिमपुर डिपा की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और पुलिस ने पहुंच करके फौरन जो भी कोई कार्रवाई करनी थी वो की। लेकिन बड़े अफसोस की चिंताजनक बात यह है कि बिजनौर वन विभाग जो है क्या कर रहा है, वो वहां पर क्यों नहीं पहुंच रहा, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है वन विभाग? आखिर क्यों नहीं वन विभाग इस गुरदार के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है? जो तस्वीर आप गुरदार की देख रहे हैं ये मैंने अपनी तरफ से डाली, ऐसा नहीं है कि जंगल में था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से गुरदार जो है बेखौफ जो है वहां पर हमला करने पर लगा हुआ है। बहरहाल बात यह है, अभी इस गुरदार को जो है तो किसी भी तरह के कोई आदम यानी के मानव खून मुंह नहीं लग पाया। जिस दिन इंसान का खून गुरदार के मुंह लग गया तो ये इंसान को अपने मुंह का निवाला बना लेगा। बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस गुरदार ने जंगल के सारे पशु खत्म कर दिए हैं, सबको अपने मुंह का निवाला बना चुका है। अब गुरदार का रुख गांव ग्रामीणों की ओर हो चुका है। यदि ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार वन विभाग होगा। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ग्रामीण मुकरपुर गुजर के प्रधान क्या कहते हैं, और वहां के ग्राम रहरा के जो चौकीदार हैं अब्दुल वहीद साहब क्या कहते हैं, वहां के ग्रामीण क्या कह रहे हैं। हमारे रिपोर्टर शमशाद अहमद की न्यूज आप देख रहे हैं, जिला बिजनौर के ग्राम सबदलपुर रहरा व थाना हिमपुर डिपा क्षेत्र से। मैं जाजली आपके साथ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर जरूर करना भाई, ताकि क्षेत्र के लोग इस चीज से जागरूक हो जाए कि क्षेत्र में गुरदार आ चुका है। और अपने चौकीदार साहब, एक मिनट, क्या है मामला? पूरा है, जिंदा है, क्या मामला है पूरा? अभी मामला यो इधर से ज्यादा डाट पर आ गए, तो खंबे आ गए, खंबे आ गए, चक्कर आ चक्कर लग रहे हैं। अच्छा, पुलिस के पीछे कुछ मिला जाना सब बोलता पड़ा क्या? हां, ये तुम बताओ क्या है पूरा मामला है? मामला ये है भैया, ये इधर से भागा चला रहा था, सड़क क्रॉस करी तो खंबे में टक्कर लग गई इसकी। तो इसके पीछे क्या पड़ रहा था? इसके पीछे तो गुलदार ही फिर रहे हैं, गुलदार ही होगा इसके पीछे। देखा तो हमने है ना, आजा, तो इसके टक्कर लगी। अब यहाँ आ रहा कोई अधिकारी, चाहे तो पुलिस वाले हैं, वन विभाग वालों से 10 बजे से फोन कर दिया, कोई अधिकारी नहीं, कोई अधिकारी भी सुबह 9 बजे टक्कर लगी हुई है, कोई आज नहीं आ पाया। हाँ, जब से परेशान हो रहे हैं, टूट गया इसका सींग भी। तो अभी तक यहाँ था, यहाँ अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आ पाया। सींग देख लो, कोई अधिकारी नहीं आया, देखो इसका सींग भी टूटा हुआ है। ये मुकरपुर और सबदलपुर के बीच का मामला है, ये बारहसिंगा है। आपको फोन करो, हो गया 9 बजे से 3 घंटे से कोई नहीं आया भाई। बारहसिंगा है, इसके पीछे जो है गुलदार पड़ रहा था, तो गुलदार की दहशत से इन्हें टक्कर खंबे में टक्कर मार दी, जिससे घायल हो गया।
तो भाग रही आ जा भी हमको कर दूंगा फोन भाई भाई अगर तू तसी मिलते कहीं कर दो तो फट भाग के आता है डीएम साहब भाई कैसे कर दो हां हो गया दो लगे सिंह भी टूट गया सिंह भी टूट गया और आंख में भी चोट है इसकी आयो दो घंटा बहुत आया इसको दवाई ना लिवा मैंने चक्कर आ रहा है उठ भी ना रहता।